आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा न्यू ईयर की खुशियों में खलल डालने की फिराक में है। आतंकी राजौरी और पुंछ के तर्ज पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगामी चार दिनों सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहेंगे। राजौरी और पुंछ जिलों में अब भी खूंखार आतंकी सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार राजौरी और पुंछ के अलावा जम्मू, सांभा और कठुआ में भी सीमा पार से घुसपैठ की साजिश हो रही है। भारतीय सेना और पुलिस के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। राजौरी के कोट रंका के पीड़ी गांव में बीती रात संदिग्ध लोगों ने विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य के घर का गेट तोड़ने की कोशिश की। वीडीसी सदस्य की ओर से हवा में फायरिंग किए जाने पर गेट पे खड़े लोग भाग गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन 10 बजे तक पुलिस कर्मी नहीं पहुंचे। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 3 से 4 संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने दिन भर इलाके को खंगाला। सुरक्षा बलों ने गांव के अलावा जंगलों, पहाड़ों, नालों में छानबीन की, परंतु शाम तक किसी संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का भयंकर प्रकोप जारी है। श्रीनगर और जम्मू के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कश्मीर घाटी में हालात ज्यादा खराब है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का भी तापमान शून्य के नीचे चल रहा है। श्रीनगर चिले कलान की चपेट में है। बस पैसेंजर्स अब जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम की बसों के टिकट अब रेड बस की वेबसाइट व इसके ऐप पर भी बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन बस टिकट प्लेटफॉर्म रेड बस ने JKRTC के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इससे यात्री अब अन्य राज्यों के 16 मार्गों पर चलने वाली JKRTC की बसों में सीट ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। JKRTC अपनी 500 से अधिक बसों के साथ अंतर राज्य सेवाएं प्रदान करता है। कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत निर्माण की दिशा में काम किया है और ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र और समानता पर आधारित है। कांग्रेस द्वारा अपने स्थापना दिवस पर नागपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसे औपचारिक रूप से पार्टी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर CPIM नेता MY तारिगामी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली याचिकाकर्ता होने के अलावा एक नागरिक भी हूं और एक नागरिक के रूप में मैं कहूंगा कि मैं फैसले से खुश नहीं हूं। हम अनुरोध करने सहित और विकल्प तलाश रहे हैं। अदालत के फैसले की समीक्षा करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बहाल करेंगे। कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा को माफ कर दिया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। बता दें कि जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने अक्टूबर महीने में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पण करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है।